चैतन्य दास बाबा जी। जगबंधु का जन्म मैमन सिंह जिले के सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित घोष राय वंश में हुआ था। भद्रा गांव के निवासी ये लोग कायस्थ थे। इस परिवार के पूर्वज नवाबी सल्तनत में ऊंचे ओहदे पर थे। जगबंधु के पिता वैद्यनाथ और माता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए चाचा गोरखनाथ ने अपने इस होनहार भतीजे का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से किया था। जगबंधु उनकी आंखों के तारा थे। एक बार जगबंधु को हैजा हो गया, हालत गंभीर हो गई थी। चाचा गोरखनाथ ने कोई दवा दारू नहीं की, बस परिवार द्वारा बनवाए गए मंदिर में स्थापित देवता श्री गोविंद राय का चरणामृत पिला दिया और जगबंधु ठीक हो गए। इससे बालक जगबंधु के अंतर में अपूर्व भक्ति विश्वास का भाव जाग उठा। देवता के प्रसाद में उसकी ऐसी आस्था बनी कि बिना देवता के अर्पित की हुई कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं करता था। कीर्तन के समय वह इतना भाव विभोर हो जाता कि मानो किसी पूर्व जन्म का सात्विक संस्कार लेकर आया हो। 12वें वर्ष में उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए एक मुंशी को लगा दिया गया। बालक जगबंधु इतनी कुशाग्र बुद्धि का था कि जल्दी ही बंगला और फारसी भाषाओं पर उसका अधिकार हो गया। संसार से वैराग्य होने के साथ ही जगबंधु के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुराग जागा। नित्य प्रति चैतन्य चरितामृत का पाठ किए बिना वह जल भी नहीं ग्रहण करता था। उसके जीवन में मुक्ति कामना और वैष्णव जनोचित दीनता का भाव क्रमशः तीव्र होता गया। जगबंधु के वैराग्य भाव को देखकर चाचा गोरखनाथ चिंतित हुए। उन्होंने उसे सांसारिक माया मोह में फंसाने के लिए उसके विवाह का निश्चय किया। जब यह सूचना जगबंधु को मिली तो उसने रात के अंधेरे में घर त्याग दिया। पैदल चलकर वह नवद्वीप पहुंचा। उसने वैष्णव दीक्षा ले ली। नया नामकरण हुआ चैतन्य दास। अपनी साधना पांडित्य और वैष्णवी दीनता के कारण शीघ्र ही चैतन्य दास की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। वे अपनी को सदैव गौरांग प्रिया के भाव में रखते। वे स्वयं को नारी वेश में सज्जित कर गौरांग की मूर्ति के सामने खड़े होकर पंखा झलते। बाह्य ज्ञान लौटने पर वे अकिंचन वैष्णव साधक के रूप में अति दीन भाव से भक्त मंडली में बैठ जाते। वे निरंतर चैतन्य महाप्रभु का गोरा नाम जपते रहते। प्रतिदिन गोरा नामांकित एक पवित्र पुंगी की पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते। वे हमेशा ध्यानमग्न रहते। एक दिन चैतन्य दास का छौर कर्म करने के लिए नाई बैठा था। छौर कर्म मींस होता है बाल कटवाना। अचानक उन्हें छींक आई और वे चुटकी बजाते हुए गौर गौर चिल्लाने लगे। इसके थोड़ी ही देर बाद उठे और उन्मत्त भाव से कीर्तन करने लगे। बड़ी कठिनाई से शांत किया गया इन्हें। एक बार ग्रहण के दिन चैतन्य दास गंगा स्नान के लिए गए। लोग स्नान करके निकल रहे थे। पुरोहित उन्हें मंत्र पढ़ा रहे थे, परंतु चैतन्य दास ने सब लोगों के बीच में खड़े होकर अपना ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गौरांग गौरांग नागरी बनूंगा, गौरांग नागरी बनूंगा। सभी लोग अवाक रह गए। पंडित गण परिहास से कहने लगे, बाबा जी महाराज, आप यह कौन सा अद्भुत मंत्र पढ़ रहे हैं? स्नान तर्पण के घाट पर कभी किसी ने ऐसा नहीं सुना। चैतन्य दास बोले, भाई तुम लोगों का जो मंत्र है तुम लोग पढ़ो, मैं अपना मंत्र पढ़ता हूं। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसे वैसी ही सिद्धि मिलेगी। एक दिन नवद्वीप के घाट पर बाबा चैतन्य दास ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब कौपीन धारण करने जा रहे थे तो हवा के झोंके से कौपीन हाथ से छूट गया। बाबा जी नग्न हो गए। यह दृश्य जगदीश मैत्र नामक एक ब्राह्मण देख रहा था। वह बाबा जी के निकट आया।
और उन्हें डांटने लगा। लंपट कहीं का, तुम स्नान घाट पर कुलवधुओं के सामने नंगा होता है? यथाशीघ्र यहां से चले जाओ, नहीं तो मार मार कर दुरुस्त कर दूंगा। बाबा जी गिड़गिड़ाए। बाबा, अचानक हवा के झोंके से कॉपीन हाथ से छूटकर गिर गया, कृपा कर अपराध क्षमा कर दो। मैत्र और ज्यादा क्रोधित हो गया, बोला, तुम अपना दोष हवा पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और उसने बाबा जी के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इससे वहां उपस्थित लोग क्रुद्ध हो गए, लेकिन बाबा ने उन्हें शांत करते हुए हाथ जोड़कर मैत्र से कहा, मुझसे जो अपराध हुआ उसका दंड मुझे मिल गया, आगे कभी भी मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा। आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, आप मेरे शिक्षा गुरु हुए। बाबा जी घाट से चले गए। 3 दिन बाद मैत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। ज्वर के उत्ताप में कहता, बाबा जी महाराज, मैं घोर अपराधी हूं, महापापिष्ट हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, यह कहकर वह बेहोश हो जाता। उसके परिजन बाबा चैतन्य दास की शरण में आए। बाबा ने पहले ही मैत्र को क्षमा कर दिया था। उन्होंने गौरांग महाप्रभु की मूर्ति पर चढ़ाया गया तुलसी दल दिया और बोले, तुम लोग जाओ, किसी प्रकार का भय नहीं है, रोगी को यह महा औषधि खिला देना, ठीक हो जाएगा। जगदीश मैत्र को बाबा जी का प्रसाद खिलाया गया, वह स्वस्थ हो गया। इसके बाद उसने बाबा जी का आश्रय ग्रहण किया और वैष्णव साधक हो गया। एक और घटना यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कलयुग में, महाभारत में जो कर्ण थे ना, कलयुग में उनका जन्म हुआ था नागा बाबा के रूप में, क्योंकि उनके मुख से हमेशा ये सुना जाता था, उनके शिष्यों ने सुना था कि वो कभी कभी कहते थे कि तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन मुझे हरा देता, वो तो मुझे 3-4 श्राप मिले हुए थे इसलिए मेरी स्थिति ऐसी थी, वो तो मेरा प्रारब्ध ऐसा था इसलिए मैं हार गया, नहीं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता था। तो कलयुग में उनका जन्म हुआ था, वो भी बहुत उच्च कोटि के सिद्ध हुए। तो उनका एक वृतांत है कि एक बार वो ऐसे ही दिगंबर रूप में, दिगंबर कहने का मतलब होता है वस्त्र न धारण करना, शरीर पे कोई वस्त्र ना होना, तो दिगंबर रूप में वो जा रहे थे कहीं, तो एक थानेदार वो देखा कि अरे ये सन्यासी तो कुछ कपड़ा नहीं पहना है, वो एक डंडे से जब वो पास आए ना तो वो मतलब अपने सिपाहियों को बोल रहा था, रुको आज इसको मजा चखाता हूँ, एक डंडा खींच के मारा था उनके कमर पे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने बोला था, शाबाश, जैसे चोट लगता है हमें तो मुंह से कुछ निकलता है ना, आ या भगवान या माँ, तो नागा बाबा ने कुछ नहीं बोला, बस शाबाश बोला था। उसके कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो थानेदार वहीं पे मूर्छित होके गिर गया, और उसके बाद जब सब लोग उसको उठाए तो उसकी जो मानसिक स्थिति थी ना बहुत खराब हो गई, उसका बहुत तबीयत खराब हो गया और वो पागल सा हो गया था। तो फिर किसी ने उनकी पत्नी को बताया कि इन्होंने ना वो बाबा जी जो हैं, वो सिद्ध महात्मा जो हैं, उनको डंडा मारा था, जोर से मारा था, तो इसीलिए इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, तो जाके उन्हीं से प्रार्थना करो तो ठीक हो जाएंगे। तो उनकी पत्नी वो गई, बाबा जी से क्षमा मांगी, तो बाबा जी ने बोला, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है, वो ठीक हो जाएगा, जाओ। और उसके कुछ दिन बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों से निवेदन करूँगा, मैंने योग भ्रष्ट संतों के बारे में आपको बताया है कि जो योग भ्रष्ट संत होते हैं ना, वो हमारे आसपास या आपके शहर में भी, मतलब वो पागल के रूप में रहते हैं, मतलब वो इतने, मतलब ऐसा वो रूप बना के रहेंगे ना कि आप उनके सामने नहीं जाना चाहेंगे, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आकर उनको परेशान ना करें। तो किसी भी पागल को आप बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनको आप गाली मत देना, मारना मत। कभी वो आपसे कुछ अगर खाने के लिए मांगने आते हैं तो थोड़ी सी कोई वस्तु आप उनको दे दोगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। अगर 10-20 रुपया की कोई चीज़ आप उन्हें खाने के लिए दे देते हो, जिसको हम लोग बाजार में कहते हैं ना कि भिखारी है
या फिर ये पागल है, कैसा कपड़ा पहना हुआ है, घूम रहा है, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो आपसे कुछ मांगते हैं तो पता नहीं आपकी किस प्रारब्ध को काटने के लिए भगवान ने वो लीला रची हो। तो आप दूर से ही मन में ही प्रणाम कर लीजिए उनको। अगर आप उनको कुछ खिलाने खाने के लिए दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो उनको ना हानि नहीं पहुंचानी, आपको मारना नहीं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग लात से मार देते हैं, जैसे वो कुछ खाने के लिए मांगने के लिए आए, उनका लार टपक रहा है तो गाली देने लगते हैं कि भाग यहाँ से पागल, गंदी गंदी गाली देते हैं, लात मार के भगाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो हो सकता है आपके कुछ बुरे कर्म हो, उसको काटने के लिए आ रहे हो, आप उनको चोट पहुंचाओगे तो फिर पता नहीं आपके जीवन में कौन सा संकट उपस्थित हो जाएगा। आइए हम जीवनी सुनते हैं। चैतन्य दास चैतन्य महाप्रभु के मंदिर परिसर में स्थित एक निर्जन कुटी में रहा करते थे। राग अनुगा भक्ति के भावोच्छ्वास में प्रायः तन्मय रहा करते थे। एक दिन गौरांग मंदिर के चबूतरे पर कीर्तन चल रहा था। कीर्तनिया दल गा रहा था, गौरांग सुंदर नदिया छोड़ चली। इस वीरह गीत को सुनते ही साधक चैतन्य दास उछलकर सामने आ गए। उत्तेजित स्वर में बोले, अरे यह क्या कह रहे हो? यही तो नवद्वीप चंद्र विष्णु प्रिया प्राणवल्लभ महाप्रभु साक्षात खड़े हैं। अब दोबारा कहा तो मारकर भगा देंगे। कीर्तन समारोह में हो हल्ला मच गया। कीर्तनियों ने नया गीत गाना शुरू कर दिया। फिर कभी उस यात्रा गीत को नहीं गाया। कालना के सिद्ध संत भगवान दास जी से चैतन्य दास के निकट संबंध थे, लेकिन दोनों के गौड़ीय वैष्णव जगत के स्तंभ होते हुए भी उनके बहिरंग आचरण भिन्न थे। भगवान दास जी की प्रेम साधना अंत संचारणी थी, जबकि चैतन्य दास का साधना जीवन प्रेमा भक्ति के उच्छल तरंगायित रहता था। गौरांग प्रेम को लेकर दोनों महान साधकों के बीच प्रेम कलह भी होता रहता था। चैतन्य दास नदिया छोड़कर कहीं नहीं गए। उन्हें वृंदावन ले जाने का भगवान दास जी का प्रयास भी विफल हो गया। बहुत आग्रह पर वे तैयार हो गए, लेकिन जब अंतिम अवसर आया और चैतन्य महाप्रभु के मंदिर के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर आज्ञा लेने लगे तो बेहोश होकर गिर पड़े। काफी देर तक भजन कीर्तन करने पर उन्हें होश आया। भगवान दास जी ने कहा, चैतन्य का वृंदावन यही है। चैतन्य दास बाबा जी तमाम वैष्णव भक्तों की आशंकाओं का निराकरण करते। एक दिन भक्त प्रवर शिशिर कुमार घोष चैतन्य दास का दर्शन करने आए। उन्होंने प्रश्न किया, बाबा जी महाराज, भक्ति साधना कैसे होता है? भक्ति लाभ तो दो पैसे में होता है। बाबा जी आप मेरा उपहास कर रहे हैं। हरे कृष्ण, मैंने आपका उपहास नहीं किया, बाबा जी ने कहा। आप बंगला में छपी हुई नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना पुस्तक खरीद लीजिए, उसे आर्त भाव से पढ़िए, उसी से भक्ति लाभ होगा। श्री नरोत्तम ठाकुर जी के बारे में भी मैंने जीवनी बनाई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे सुन लीजिएगा। बाबा जी के लिए आर्त प्राण और प्रार्थना ही गौरांग प्रेम की सर्वापेक्षा बड़ी साधना थी। एक बार ब्रह्म समाज के शीर्षस्थ नेता गोस्वामी विजय कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी के पास आए। उन्होंने पूछा, बाबा जी महाराज, मैं प्रकृत भक्ति का अधिकारी किस प्रकार बनूंगा? यह प्रश्न सुनकर बाबा जी महाराज अपलक उनका मुंह देखते रहे। कुछ देर बाद उनकी देह रोमांचित हो उठी, थरथर कांपने लगी। धीरे धीरे उनकी शिखा भी रोमांच होने से खड़ी हो गई। उन्होंने एक हुंकार भरी और आवेग कंपित स्वर से बोली, तुम यह क्या कह रहे हो गोसाई? तुम यह पूछते हो कि भक्ति कैसे होती है? इतना कहते कहते उनके शरीर में अश्रु, रोमांच और कंपन जैसे आठों सात्विक विकार उत्पन्न हो गए।
इस 52 मात को समाप्त होने पर चैतन्य दास जी ने विजय कृष्ण जी को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप भक्ति की बात पूछते हैं, वह दुर्लभ वस्तु मैं अपात्र भला कहां पाऊंगा। आप आशीर्वाद दीजिए कि सर्वथा अकिंचन कंगाल बन सकूं, क्योंकि उससे आगे भक्ति की नाम गंध का पता भी नहीं मिलता। हां एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनिए। आजकल आप जैसा कुछ भी क्यों ना करते हो, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि आप तिलक लगाएंगे, कंठी माला धारण करेंगे। भक्ति तो आपके अपने भंडार का धन है, आप तो अद्वैत वंश की संतान हैं। हमारे अद्वैत भंडार में क्या भक्ति का अभाव है? गोस्वामी जी के संबंध में चैतन्य दास की भविष्यवाणी गोस्वामी जी के परवर्ती जीवन में अक्षरस फलवती सिद्ध हुई। गौरांग मंदिर के एक कोने में बैठकर चैतन्य दास जी भजन कीर्तन समाप्त होने पर रात्रि में प्रेमा भक्ति की साधना में डूब जाते थे। उस ध्यानावस्था में गौरांग के साथ उनकी विरह मिलन की प्रेम लीला चलती और अनेक प्रकार के प्रेमालाप होते। उन दिनों नवद्वीप में भीम नामक एक खौफनाक दुराचारी रहता था। वह जाति से गंध बनीक था, वैष्णवों का तो वह जानी दुश्मन था। उसने गौरांग और चैतन्य दास के पारस्परिक प्रेम संलाप की चर्चा सुनी। उसने इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। एक रात वह मंदिर की दीवार लांघकर भीतर आया, बाबा जी की कुटिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय बाबा जी भावाविष्ट अवस्था में थे, अपने ईष्ट देव के साथ प्रेमालाप में मग्न थे, बार बार अपने हृदय की आर्त वेदना निवेदित कर रहे थे। भीम ने समझ लिया कि प्रेमा भक्ति और साधना की बात झूठी है, कुटी के अंदर निश्चय ही बाबा जी की कोई प्रेमिका है। इस समय कुटी के अंदर जाकर बाबा जी के कपटाचार का पर्दाफाश किया जा सकता है। उसने दरवाजे को ठोकर मारकर तोड़ दिया, लेकिन कुटी के अंदर प्रवेश करते ही विस्मय से भर गया। उसने देखा कि बाबा जी महाराज सामने निस्पंद भाव से ध्यान निमग्न हैं, उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रही है। सारी कुटिया फूलों की सुगंध से भरी हुई है, किंतु भीतर कोई और नहीं है। भीम वही मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आने पर वह और भी आश्चर्य में पड़ गया। भजन कुटी के जिस दरवाजे को उसने तोड़ दिया था वह बिल्कुल साबूत खड़ा है। भीम के हृदय में तीव्र शोक और मर्मांतक पीड़ा की ज्वाला उठने लगी। ज्वाला असहनीय होने पर एक दिन वह बाबा जी के चरणों पर आकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने विगलित भाव से कहा, बाबा जी मेरा उद्धार कीजिए, अपने चरणों का आश्रय दीजिए। चैतन्य दास ने स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया, बोले, बेटा भीम उठो, कोई भय नहीं, आज से तुम गौरदास हुए, निष्ठापूर्वक हरि नाम जपते जाओ और वैष्णवों की सेवा करो, शीघ्र ही तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त होगी। भीम का रूपांतर देखकर द्वीपवासी चकित हो गए। चैतन्य दास के जीवन के अंतिम काल में आत्मसात का आखिरी अंक प्रारंभ हो रहा था। अंततः वह शुभ लग्न भी आया। उस दिन बाबा जी दिन भर रात भर भजन रस में डूबे रहे। अचानक गंभीर रात में भाव तन्मय अवस्था में ही अचानक उठ बैठे और अपने को गौर प्रिया के रूप में सजाने लगे। फिर प्रेम रस के नशे में लड़खड़ाते पैरों से गौर विग्रह के बाईं ओर जाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे निमग्न होकर गाने लगे, मेरा भजन समाप्त हुआ, मेरी पूजा समाप्त हुई, नदिया के चंद्रमा की प्रिया मैं हूं, मेरा स्वामी गोरा है।
गाते गाते चैतन्य दास के शरीर में एक अपूर्व ज्योति प्रस्फुटित हुई। उनकी प्रेमाविष्ट आंखें गौरांग मूर्ति की आंखों से निश्चल जड़ी थी। उस दिन प्रभु की नित्य लीला का ज्योतिर्मय रूप उनको स्पष्ट हो गया। गौराब्द 392 साल में अगहन की पूर्णिमा के दिन सिद्ध साधक चैतन्य दास बाबा जी महाप्रस्थान कर गए।